आज आम सोयाबीन आ बुट डाली गोटे टेस्टी तरकारी बनवा देखा देखो ए गोटे गिना भाती पखापाखि 150 ग्राम बुट डाली नहीं गोटे गिना भाती 40 ग्राम सोयाबीन बड़ी नहीं फाड़े नड़िया को एमती काटिक रखिदे प्रथम आम बुट डाली चण डाली को 1.5 घंटा पर्यंत बतरेक रखा एथिरे सफिशिएंट पानी पक भलेसे मिसेक ढाकणी बंद करके पतरिया को दबा सोयाबीन को बतरियापे पा जस्ट टे लुण पकईकी गरम करवा बेस गरम करेनि 2-3 मिनट पर्यंत गरम कला गैस को बंद करदे भलेसे बतरी जापर काटिक रखा नड़िया को जारे पकईकी दरदरा ग्राइंड करेंगे बेस पेस्ट करेनि दरदरा ग्राइंड करके सैड रखिद बुट डाली बतरला भले से धोई यार पानी को काढ़ प्रेशर कुकर बुट डाली पकई मुझे आलु ऐड आलु ऑप्शनल अच्छे आप चाहिए स्किप करेंगे मुझे गोटे छोट आलु को काटिकी रखी गोटे तेजपत्र आ गए बड़ साइज़र डालचीनी पकई तेजपत्र डालचीनी को यहाँ छिड़ी पकईद बुट डाली सीझे समय डालचीनी और तेजपत्र पकवा द्वारा तरकारी बासना बहुत भल लगे ए 1.5 ग्लास पर्यंत पानी पकईकी हलदी एड करदे लुण जस्ट टिके पकेबे तरकारी पड़ो भलेसे मिसेला 3-4टा सीटी देदे पैन में 2टी बड़ स्पून तेल पकई तेल गरम होगा अल्प टिके जीरा फुटण देदे पिज एड करवा 2टी मीडियम साइज़र पिज को छोट छोट कर काटिक रखी मीडियम फ्लेम रे प्याज लाल हेला पर्यंत भाजीबा देखो प्रेशर कुकर रु प्रेशर बाहर सारी डाली भले से सीझी जाए जो तेजपत्र डालचीनी अच्छी आप चाहिए काढ़ पारे प्याज लाल हो गला बर्तमान ए 2 स्पून अदा रसुण पेस्ट ऐड करवा अदा रसुण कंचा मसला गला पर्यंत मीडियम फ्लेम रे ये फ्राए करवा अदा रसुण भलेसे भाजी है टमाटो ऐड करवा 5टी मीडियम साइज़र टमाटो नहीं थी स्वाद अनुसार लुण जीरा धनिया गुंड हलदी पकई को भलेसे मिसेद फ्लेम को मीडियम रखिए ढाकणी बंद करके 2-3 मिनट पर्यंत कुक करवा ढाकन खोलिक देखा देखो टमाटो भल कि सॉफ्ट हो जाए भलसे एमती प्रेस करदे मसलार तेल छाड़ला पर्यंत आपको मीडियम फ्लेम रे कुक करवा जो सोयाबीन बड़ी बतरे रखिले तार पा भाई चिपुड़ी बाहर करदे देखो मसला पूरा भलसे कषि जा बर्तमान एजे रखा बुट डाली पकईद तापर सोयाबीन पकईद एक झोल आप चाहते से हिसाब से देखिए पा पकेबे मुझे बेसी झोल करनी अल्प टिके पा पकईदेपर एम मसला गुंड ऐड करवा गोटे स्पेशल मसला पकई जोद्वारा कि तरकारी बासना और टेस्ट बहुत भल लगे देखो एथपाई आधा स्पून चाट मसला नहीं गोटे स्पून गरम मसला गुंड नहीं गोटे स्पून लंका गुंड नहीं लंका गुंड निज टेस्ट हिसाब से आपड़ ने एथिरे जस्ट टिके कला लुण पकईवा एपरी मसला पकैया द्वारा तरकारी टेस्ट बहुत भल लगे जस्ट टिके कला लुण पकईकी भलसे मिसेद तरकारी कोरा नड़िया को पकईद जो नड़िया को आम दरदरा कर ग्राइंड कर रखे पकई प्रिपेयर कर मसला गुंड ऐड करदे ये सब कुछ भलेसे मिसेकी 3-4 मिनट पर्यंत कुक करवा मसला पूरा तरकारी में मिसला पर्यंत को कुक कला शेष में धनिया पत्र पकईद आपण ये रेसीपी थे निश्चय ट्राए करेंगे जहाँ कि बनवा इजी और खाया को भी टेस्टी आदि आज वीडियो बा रेसीपी भल लगला तेल प्लीज लाइक करदे रही धन्यवाद।